ना कोई ताकत, ना कोई अदावत, और चाहे पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहे, तेरे बोल पर अंकुश नहीं डाल सकते। बोल इलाहाबाद आजाद है तेरे। गोदी मीडिया इतनी बड़ी खबर पर खामोश क्यों है? आपके स्क्रीन्स पर वो आदमी जिसने पंजाब नेशनल बैंक को 13,000 करोड़ रुपए की चपत लगाई थी, 13,000 करोड़ के घपला किया था मेहुल चौकसी, और सिर्फ मेहुल चौकसी नहीं, इसका भतीजा नीरव मोदी, ये व्यक्ति करीब 6,000 करोड़ का घपला करके देश छोड़ के भाग गया और बाहर छिपे हुए हैं। खबर क्या, मैं आपको बताता हूं दोस्तों, मैं इंतजार कर रहा था कि गोदी मीडिया शायद इस पर बहस करे। खबर यह है कि इंटरपोल ने मेहुल चौकसी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस वापस ले लिया है। पहले आपको समझना पड़ेगा इंटरपोल का मतलब, रेड कॉर्नर नोटिस का मतलब। इंटरपोल क्या करती है मैं आपको बताता हूं। इंटरपोल दरअसल 195 देशों की संस्था है, और इनका काम क्या होता है कि आंशिक तौर पर टेम्पररीली प्रोविजनली उन लोगों को गिरफ्तार करना जो भगोड़े हैं, और इंटरपोल ने मेहुल चौकसी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस वापस कर लिया है। याद कीजिए दोस्तों, साल 2018 जब मेहुल चौकसी के खिलाफ पहली बार इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था, आपको याद है उस वक्त गोदी मीडिया क्या कर रही थी? उस वक्त गोदी मीडिया ने कहा था ये मोदी जी हैं, घर में घुस के मारते हैं, उस तरह की तमाम चीजों की बात की जा रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाहवाही की जा रही थी। इससे पहले प्रधानमंत्री ने मेहुल भाई के बारे में क्या क्या कहा सब भुला दिया गया था दोस्तों। किस तरह से नीरव मोदी के साथ उन्होंने बाकायदा अपनी एक यात्रा में फोटो खिंचवाई थी, ये देखिए प्रधानमंत्री यहां है और ये नीरव मोदी है, फोटो खिंचवाई थी, ये तमाम चीजें इस देश की गोदी मीडिया ने इस देश की जनता को भुला दिया था। मगर जब 2018 में इंटरपोल ने मेहुल चौकसी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था, अब जबकि रेड कॉर्नर नोटिस वापस ले लिया गया है, तो खामोशी क्यों है? आखिर क्यों इतिहास को भुलाया जा रहा है? कौन सा इतिहास, मैं आपको बताता हूं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुलेआम 2015 में नीरव मोदी को उनकी भूरी भूरी तारीफ करके, प्रशंसा करके उसे हमारे मेहुल भाई बताया था, याद है या भूल गए? आइए सुनते हैं। जो गीतांजलि ज्वेल्स है, मेहुल चौकसी वही नाम है ना उनका, लेकिन बैंक से ज्यादा उसको अपने गांव के सोनार पर भरोसा है। वो बड़े से बड़े ज्वेलरी के शोरूम में जाएगा, लाने के बाद अपने सोनार के यहां जरा चेक कर ले भाई, कितना ही बड़ा शोरूम होगा, हमारे मेहुल भाई यहां बैठे हैं, लेकिन वो जाएगा अपने सोनार के, आज जरा भी तुम चेक करो मैं ले तो आया हूं। तो सुना आपने, हमारे मेहुल भाई। और जब इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस वापस ले लिया तो पूरा सन्नाटा पसरा हुआ था दोस्तों। किसी मीडिया ने मोदी सरकार को यह याद नहीं दिलाया कि जब इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था तब आप अपनी फीट थपथपा रहे थे, आज जब वो रेड कॉर्नर नोटिस वापस ले लिया गया है तब खामोशी क्यों है? हालांकि मैं आपको बता दूं कि सीबीआई ने इंटरपोल से गुजारिश की है, जैसा कि टेलीग्राफ की खबर बता रही है, कि रेड कॉर्नर नोटिस को बहाल किया जाए। अब जाहिर सी बात है, इस मौके पर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर करारा हमला बोला है। आपके स्क्रीन्स पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का यह बयान, विपक्षी नेताओं के लिए ईडी सीबीआई, मगर मोदी जी के हमारे मेहुल भाई के लिए इंटरपोल से रिहाई। जब परम मित्र के लिए कर सकते हैं संसद ठप, तो पुराना मित्र जिसको किया गया था 5 साल पहले फरार, भला उसकी मदद से कैसे करें इनकार। डूबे देश के 1,000 करोड़ ना खाने दूंगा वाला बना जुमला बेजोड़। क्या जवाब है बीजेपी के पास इस बयान को लेकर? चलिए दोस्तों, ये मान लिया ये कांग्रेस का बयान था, कांग्रेस का तो फर्ज ही बनता है भारतीय जनता पार्टी सरकार की आलोचना करना। मगर मैं कुछ और सवाल पूछना चाहता हूं, और आगे मैं आपको बतलाऊंगा कि मेहुल चौकसी दरअसल बचा कैसे। मेरे कुछ सवाल हैं,
इतनी बड़ी खबर हो गई, सीबीआई का एक भी औपचारिक बयान नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कल अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी को मीर जाफर बता रहे थे। किसी पत्रकार ने भारतीय जनता पार्टी से यह सवाल तक नहीं पूछा। मोदी सरकार का इस मुद्दे पर एक भी औपचारिक बयान नहीं आया, यह बात आपको बिल्कुल भी अटपटी नहीं लगती? इस मुद्दे पर तमाम मीडिया न्यूज चैनल्स में प्राइम टाइम डिबेट होने चाहिए थे कि भारत सरकार से क्या गलती हो गई कि मेहुल चोकसी के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस वापस ले लिया। क्या आपने ये डिबेट कहीं सुनी? क्या इसकी सुगबुगाहट कहीं सुनी? बिल्कुल नहीं। तो ना सीबीआई बयान दे रही है, ना बीजेपी बयान दे रही है, ना मोदी सरकार बयान दे रही है, और ना मीडिया इस पर प्राइम टाइम डिबेट कर रही है। कितने शर्म की बात है दोस्तों। मगर आपको समझना पड़ेगा कि दरअसल ये हुआ क्यों, क्या है इसके पीछे की कहानी। मैं आपको क्रोनोलॉजिकली समझाने की कोशिश करता हूं, एक एक करके, परत दर परत, सिलसिलेवार तरीके से परतें खोलने वाला हूं दोस्तों। तारीखों का खेल है, वो तारीखें जो मैं आपको बतलाने वाला हूं। सबसे पहले इस तारीख पर गौर कीजिए, 2018। ये वो तारीख है दोस्तों जब इंटरपोल ने पहली बार मेहुल चोकसी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था, और नतीजा यह हुआ कि चुनाव का एक साल रह गया था तो तमाम मीडिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खूब वाहवाही हुई। अब आगे चलते हैं, साल 2020। 2020 में मेहुल चोकसी ने इंटरपोल के इस रेड कॉर्नर नोटिस को चुनौती दी थी अदालत में, अदालत ने उसे खारिज कर दिया। उन्होंने कहा सवाल ही नहीं है, हम इस रेड कॉर्नर नोटिस को खारिज नहीं करने वाले हैं। मगर एक साल बाद एक बहुत दिलचस्प, एक अजीबोगरीब घटना होती है जो आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। साल था 2021। मैं आपको बता दूं कि मेहुल चोकसी ने एंटीगा और बारब्यूडा नाम के देश की नागरिकता ले ली थी और वहां पर वो छुपा हुआ था। रहस्यमय तरीके से मेहुल चोकसी एंटीगा और बारब्यूडा से डोमिनिकन रिपब्लिक पहुंच जाता है। कई तरह की थ्योरीज काम कर रही थी। एक थ्योरी यह कह रही थी कि भारतीय गुप्तचर एजेंसीज ने उसे किडनैप करके डोमिनिकन रिपब्लिक लेकर आए ताकि उसे भारत ले जाया जा सके। नतीजा यह होता है दोस्तों, जैसे ही वो डोमिनिकन रिपब्लिक पहुंचता है तो सीबीआई के डीआईजी शारदा राउत वो एक विशेष विमान से डोमिनिकन रिपब्लिक पहुंच जाते हैं। और डोमिनिकन रिपब्लिक में क्या हो रहा होता है दोस्तों, मेहुल चोकसी पर अवैध ढंग से घुसने का आरोप लगता है। मेहुल चोकसी करीब 50 दिनों तक जेल में रहता है, मगर उसके बाद 62 साल के मेहुल चोकसी को वापस एंटीगा और बारब्यूडा जाने की अनुमति मिल जाती है, क्योंकि मेहुल चोकसी यह कहता है कि मेरी तबीयत खराब है, मुझे अपने डॉक्टर, अपने न्यूरोलॉजिस्ट से मिलना है और मैं अपना इलाज करने के बाद ही वापस आ सकता हूं। बाद में उसे जाने दिया जाता है और भारत सरकार को यहां पर करारी शिकस्त का सामना करना पड़ता है। और अवैध एंट्री का जो मामला था, यानी डोमिनिकन रिपब्लिक में अवैध एंट्री का मामला था, वो केस भी खारिज हो जाता है। उसके बाद जो कानूनी प्रक्रिया चलती है उसमें मेहुल चोकसी अपने वकीलों से क्या क्या कहता है मैं आपको बताता हूं। पहली बात वो ये कहता है कि अगर मैं भारत गया तो ये जरूरी नहीं कि मैं बच पाऊंगा। उन्होंने ये भी कहा कि भारत में कुछ लोग मेरे जान के प्यासे हैं। यही नहीं, मेहुल चोकसी ने यह भी कहा कि अगर मैं भारत गया, वहां की जेल की कंडीशंस बहुत खराब है और अगर मैं वहां गया तो मैं जान से हाथ धो बैठूंगा। ये तमाम बातें वो अदालत में कहता है। और फिर आता है 2022 और 2023। तो जब ये मामला अदालत के सामने आता है तो किस तरह से आता है ये मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा दोस्तों।
पंजाब नेशनल बैंक से 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी के आरोपी चोकसी ने हाल ही में एंटीगा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें भारत सरकार और दो भारतीय एजेंटों पर 2 जून 2021 में उसे एंटीगा से अगवा करने और जबरन डोमिनिकन रिपब्लिक ले जाने का आरोप लगाया था। इसी घटना और चोकसी की अर्जी ने इंटरपोल के फैसले को उलटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि अधिकारियों का मानना था कि रेड नोटिस के आधार पर भारत प्रत्यर्पण पर चोकसी को सुनवाई से वंचित कर सकती है। सूत्रों का कहना है कि एंटीगा वाली घटना उसे वहां से निकालने की कोशिश थी। जी हां, क्या आरोप लगाए थे उसने किडनैपिंग को लेकर, वो अब आपके स्क्रीन्स पर आने वाला है दोस्तों। चोकसी ने दरअसल अदालत में कहा क्या था। एंटीगा कोर्ट में अपनी याचिका में चोकसी ने दावा किया था कि 23-2021 को उसे बारबरा नाम की एक महिला से डिनर पर मिलने के बहाने किडनैप कर लिया गया था। उसने शिकायत में बताया कि उसे व्हीलचेयर पर बांधकर सिर पर हुड लगा दिया गया था, उसे एक नाव में लेकर जाया गया और इस दौरान उसे टॉर्चर किया गया। उसने दावा किया कि उसे डोमिनिका ले जाया गया। पोर्टस्माउथ हार्बर पहुंचने पर एक कोस्ट गार्ड ने उसे सहारा दिया, जहां सीनियर पुलिस अधिकारी उसे हिरासत में लेने का इंतजार कर रहे थे। दोस्तों, अब दिक्कत क्या हुई है मैं आपको बताता हूं। जैसे ही इंटरपोल का यह रेड कॉर्नर नोटिस वापस हो गया है, मेहुल चोकसी कई देशों की यात्रा कर पाएगा। वो सिर्फ एंटीगा और बारबुडा में नहीं रहेगा, आपके स्क्रीन्स पर अब दुनिया भर में यात्रा कर सकता है चोकसी। रेड कॉर्नर नोटिस ने चोकसी को 192 सदस्य देशों में भगोड़ा घोषित कर दिया था और एंटीगा पासपोर्ट पर 32 देशों में बिना वीजा के यात्रा को भी बैन कर दिया था। नोटिस को वापस लेने, जिसे रेड कॉर्नर नोटिस या RCN के रूप में भी जाना जाता है, का मतलब यह है कि चोकसी अब दुनिया भर में स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सकता है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि मोदी सरकार को यह करारा झटका है और मेहुल चोकसी की एक बहुत बड़ी जीत। जिस आदमी ने हमारे देश का 13,000 करोड़ रुपया खा लिया, वो हमारी पकड़ से बाहर जा रहा है, जो अपने आप में कितनी बड़ी त्रासदी है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, इस खेल में कभी हार का सामना होता है, कभी जीत का सामना। आज CBI को झटका मिला है, आज भारत सरकार को झटका मिला है, मगर कल हम उसे जरूर लेकर आएंगे। मगर मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा वो है जो मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में उठाया। याद कीजिए दोस्तों, किस तरह से इन न्यूज चैनल्स ने 2018 में जब इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किस तरह से वाहवाही की थी, जबकि वो एक प्रक्रिया थी। आज जब वो रेड कॉर्नर नोटिस वापस हो गया है, तब इसकी कोई बात नहीं कर रहा है। और जैसा कि मैंने कार्यक्रम में आपको बताया कि मेहुल चोकसी ने कहा कि भारत सरकार ने मुझे किडनैप करने की कोशिश की, और जब यह बात उन्होंने अदालत में रखी, तो अदालत ने जब अपना फैसला सुनाया, तो इसका बहुत बड़ा हाथ था, मेहुल चोकसी के दावे का बहुत बड़ा हाथ था। इस बात से हम मुंह नहीं मोड़ सकते। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।